देखें, एक जोर से झटका सा एक आवाज़ आया, उसके बाद इसमें रेड लाइट आना चालू हो गया है। देख सकते हैं इसमें रेड लाइट आ रहा है। अभी सिस्टम पे क्या एरर मैसेज आ रहा है ये भी देखना है एक बार। तो ये है मेरा सिस्टम, अभी इस पे देखते हैं क्या एरर मैसेज लिख के आ रहा है। इसका जो केबल है, केबल को हम लगाते हैं, कैमरे को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। ये है मेरा सिस्टम, अभी जाएंगे कंट्रोल पैनल, उसके बाद व्यू डिवाइस एंड प्रिंटर। यहाँ पे जो प्रिंटर का जो मॉडल है L3210, ये शो हो रहा है। इसके ऊपर राइट क्लिक, प्रिंटिंग प्रेफरेंस, मेंटेनेंस, उसके बाद इप्सॉन स्टेटस मॉनिटर 3, इस पर क्लिक करना है। अभी देखिए क्या आ रहा है। सबसे ऊपर आ रहा है एरर कोड, एरर कोड में क्या लिखा हुआ है, 000043। इसमें एरर कोड है 000043, और इस पर लिखा हुआ है कैंसिल ऑल प्रिंट जॉब, ओपन द फ्रंट कवर, और थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है लोअर द स्कैनर यूनिट एंड क्लोज द फ्रंट कवर, और फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है टर्न ऑन द पावर ऑफ एंड ऑन अगेन। तो ये प्रॉब्लम आप लोगों ने देख लिया है। अभी इसको हम सिस्टम को हटा देते हैं। अभी प्रिंटर को खोल के दिखाते हैं इसमें कहाँ से इसका प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ओके, कैमरे को फिक्स कर लिया। अभी देखिए रेड लाइट जल रहा है प्रिंटर में, फिलहाल बंद कर देते हैं और इसको खोलते हैं। खोलने के लिए फ्रंट साइड दो स्क्रू है, ये दो स्क्रू को पहले खोल लेना है। ये देखिए इस साइड एक और इस साइड एक। देखिए दोनों स्क्रू निकल दिया। अभी ये जो केबल है, केबल को पहले हटा देते हैं पीछे से। केबल को दोनों हटा दिए। अभी इसको ये उठाना है और यहाँ पे एक लॉक लगा है, जैसा कि इप्सॉन L3110-3115 में लॉक नहीं था, लेकिन इस जो नया प्रिंटर है ये 3210 सीरीज का, इसमें एक लॉक लगा रहता है। तो मैंने पिछला वीडियो मैंने दिखाया है कैसे लॉक को खोलना है। तो लॉक को खोलने से यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप पुश करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। देख सकते हैं ये बहुत आसान आसान से ये बाहर आ जाएगा, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो पट्टी लगा हुआ है और केबल है, इसको खोलेंगे। ये इसका फ्रंट पैनल का केबल है, इसको हम निकालते हैं। और ये दो स्कैनर का केबल है, एक CCD का और एक मोटर का। उसके बाद इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन इसको बाहर निकाल दिए हैं, अभी प्रिंटर को इधर घुमाते हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम है ये इसका लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है। अभी इसको खोलने से पहले इस कवर को, यहाँ पे एक स्क्रू है, इसको खोल लेना है। देखिए स्क्रू निकाल दिया। अभी ये इस साइड से थोड़ा सा खींचेंगे, ये बाहर आ जाएगा। देख सकते हैं आसानी से, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, बहुत ही आसानी से ये हो जाएगा काम आपका। तो इसमें जो मेन प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम आती है, ये जो गोल चक्की दिख रहा है, इसको बोलते हैं राउंड एनकोडर। इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए ये अलग से ये घूम रहा है, देख सकते हैं, जो कि ये रोलर के साथ ही घूमना चाहिए था। ये जो रोलर जो ये घूम रहा है, ये इसके साथ ही ये घूमना चाहिए, लेकिन ये लूज़ हो गया है। यहाँ पे ग्लू वगैरह लगा रहता है, जिसकी वजह से ये अलग से ये घूम रहा है। तो पहले क्या करेंगे, पहले इसको बाहर निकालेंगे, एक कपड़ा लेंगे, उसको अच्छे से साफ करेंगे पहले। तो देख सकते हैं यहाँ पे ग्लू लगा दिया। अभी दोबारा इस पे लगा के देखते हैं। तो हमने यहाँ पे ग्लू लगा दिए हैं, अभी 10 मिनट के लिए इस पे छोड़ देंगे इसको, और उसके बाद इसको देखते हैं इसमें ये सही से फिक्स हुआ है कि नहीं। तो लगभग 10 मिनट हो चुका है, अभी ये जो था ये फिक्स हो चुका है। अभी देखिए ये रोलर के साथ ही घूम रहा है, ये अलग से नहीं घूम रहा है, ये फिक्स हो चुका है। अभी इसका जो
स्कैनर है, इसको लगा के चेक करके दिखाते हैं। अभी इस साइड इसका स्कैनर को लगाएंगे। स्कैनर को लगा दिए। अभी इसको इसका जो ढक्कन है इधर नहीं लगाएंगे, इसका फ्रंट पैनल का जो केबल है इसको लगाते हैं। उसके बाद इसका जो सेंसर केबल है, सॉरी सेंसर केबल नहीं, इसका जो स्कैनर का केबल है, ये दो स्कैनर का केबल को लगा देते हैं। देख सकते हैं लगा दिए। अभी देखिए इसको लगा दिया। अभी इसका जो बाएं तरफ ढक्कन है इसको नहीं लगाएंगे, खाली इसको लगा के चेक करते हैं। पावर ऑन कर दिए हैं, पावर केबल को लगा लेते हैं। देखिए इसमें पावर का लाइट आ चुका है, देख सकते हैं। अभी देखते हैं उसका जो एरर था वो एरर हटा कि नहीं। मेरे हिसाब से उसका जो एरर था वो हट जाएगा। देखिए उस टाइम जब ये प्रिंटर आया था मेरे पास उस टाइम ऐसा भी हो रहा था, लेकिन उसका जो रेड लाइट है वो बाद में आ रहा था और ये आवाज़ आ रहा था उसमें से। प्रिंटर रेडी हो गया है, देख सकते हैं कोई भी रेड लाइट वगैरह नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे कोई भी रेड लाइट वगैरह नहीं आ रहा है, खाली इसमें ग्रीन लाइट जल रहा है और रेड लाइट वगैरह नहीं आ रहा है। तो एक फ़ोटो कॉपी करके देख लेते हैं। इधर डॉक्यूमेंट ऑलरेडी एक लगा हुआ है, देख सकते हैं। इसके हम एक फ़ोटो कॉपी करके देख लेते हैं प्रिंटर सही से काम कर रहा है कि नहीं। फ़ोटो कॉपी का बटन दबाएंगे। देख सकते हैं तो फ़ोटो कॉपी भी स्टार्ट हो गया है और ये प्रिंटर आसानी से रेडी हो गया है। तो गाइस वीडियो कैसा था कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।